आप कहिए भैया, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना हम सबके लिए गर्व का विषय है कि नहीं है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? अभिमान होता है कि नहीं होता है? लेकिन कांग्रेस और उसके साथी पहले दिन से आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई ये पचा नहीं पा रहे हैं, डगर डगर पर उनका अपमान करते हैं। जो ताजा घटना घटी है ये घटना बहुत गंभीर है भाइयों, और इसलिए मुझे देशवासियों के सामने मेरी पीड़ा व्यक्त करना जरूरी है। भैया वो तस्वीर नीचे रख दो, आप नीचे बैठिए, तस्वीर नीचे रखो, आप भी नीचे बैठो, नीचे बैठिए आप। धन्यवाद। देशवासियों के सामने मैं मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। हमें राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण होता है, गलती से भी उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसकी सोच 18वीं शताब्दी की सोच है, 18वीं शताब्दी की सोच है, पापी मन है। क्या हुआ मैं बताता हूं। अभी हमारी राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने, वहां पूजा अर्चन करने गई थी, और पूजा अर्चन करके आई। ये कांग्रेस वालों की 18वीं शताब्दी की मानसिकता, विकृत मानसिकता, पापी मन ये कह रहा है। घोषणा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में, ये कहा कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे, राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। क्या एक आदिवासी प्रभु राम लला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? ये राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? नारी का अपमान है कि नहीं है? हिंदुस्तान का अपमान है कि नहीं है? प्रभु राम का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? कभी भी माफ कर सकते हैं क्या? हिंदुस्तान ऐसे लोगों को माफ कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले लोग हैं, उन्हें सिर्फ आपसे वोट चाहिए, उनको आपके प्रति प्रेम नहीं है, वो आपको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। भाइयों इतना बड़ा पाप उन्होंने किया और इसलिए पीड़ा मैं देशवासियों के सामने रख रहा हूं। मुझे बताइए, ये लोग आपसे एक वोट पाने के हकदार है क्या? साथियों, कांग्रेस के शहजादे इन दिनों एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं।